हाँ जी, तो गाइस दिस वीडियो इज़ अबाउट नवीन फ्लोरीन के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ये स्टॉक पहले काफ़ी टाइम से हमारे रेडार में रहता था एंड व्हेन इट टच्ड 4000 ऑलमोस्ट 5000 लेवल 4900-5000 लेवल्स, उसके बाद से इस स्टॉक में फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर आया है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजंस एंड चाइना ने डंपिंग शुरू कर दी है। एंटी डंपिंग ड्यूटी तो हम लगाते हैं पर चाइना ने बेसिकली डंपिंग शुरू कर दी है बहुत सारे स्पेशलिटी केमिकल्स और इस तरह के प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में, क्योंकि चाइना ही इसका सबसे बड़ा एक प्रोड्यूसर और पास्ट में प्री कोविड सप्लायर रहा है। तो क्योंकि वो लोग फ्री में ऑलमोस्ट कोड़ियों के भाव में माल डंप करते हैं दुनिया में, उसके वजह से आप देखो पूरे सेक्टर में एक तो ये प्रेशर पॉइंट आया। सेकेंड प्रेशर पॉइंट वॉज कि कॉस्ट ऑफ सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स इतना बढ़ गया 2022 फरवरी के बाद आफ्टर द वॉर कि वो एक और बॉटलनेक। और अभी तो आप देखो रेड सी के आसपास जो बेहुदा हरकत हो रही है लिटरली, मतलब आई कांट इमेजिन समबडी अटैकिंग दोज वेसल्स विच आर कैरिंग एसेंशियल आइटम्स। और वो लोग क्या कर रहे हैं, रेड सी के पास पिछले एक डेढ़ महीने से ये प्रॉब्लम चल रहा है, जो शिप पास हो रही है कंटेनर उसको अटैक कर रहे हैं सर्टन हूदी रेबल्स, लेकिन वो चाइना के माल को अटैक नहीं कर रहे हैं। जो भी सी के पास से पास हो रहा है उस पर चाइना का फ्लैग लगा हुआ है उसको अटैक नहीं किया जा रहा है। तो ये सोची समझी साजिश है बिटवीन प्रॉबली ईरान चाइना, उनका अंडरस्टैंडिंग होगा जो भी है, वट एवर इट इज़ यार, लेकिन धंधा करने वाले को बिजनेस करने वाले को तो बिज़नेस से मतलब है ना। तो नवीन फ्लोरीन और बाकी सारे इस सेक्टर के आप SRF भी देखो सब प्रेशर में है। सवाल ये है अब अगर नवीन फ्लोरीन में गिरावट का फ़ायदा उठाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पजेज। लेकिन अगर उसका फ़ायदा उठाना है तो आप कैसे उठाएंगे, फ़िलहाल तो मुझे लगता है कुछ टाइम के लिए वेट करना चाहिए आपको, क्योंकि अगर नवीन फ्लोरीन इतने प्रेशर में भी, मेरा एक पहले लेवल होता था 3400, वो टूटता नहीं था। अब आप देखिए पहले 3400 अगर टूटने लगे तो साइकोलॉजिकली 3000 पे आके नवीन फ्लोरीन विल बिकम अ वेरी गुड बेट यू कैन से। बट एज आई सेड नो रिकमेंडेशन, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड देन टेक अ कॉल। इस स्टॉक में फिलहाल अभी थोड़ा और वक्त हमें देना चाहिए। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन कीप प्रॉफिट।